हेलो एवरीवन मोस्ट वेलकम राइट तो अब हम समझते हैं कॉमर्स के बारे में ठीक है तो पिछले क्लास में तो ट्रेड समझ लिया था अब हम कॉमर्स को समझते हैं तो देखो कॉमर्स क्या है तो मैंने आपको पहले ही बताया पिछला ही क्लास में बताया था कि कॉमर्स एक टेक्निकल नेम है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना इन टर्म्स ऑफ मनी पैसे में ये कॉमर्स है ठीक है तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था आज की क्लास में समझते हैं कि कॉमर्स कितने टाइप के होते हैं तो देखो कॉमर्स दो टाइप के होते हैं ठीक है एक होता है ट्रेड दूसरा होता है एक्जुलरीज टू ट्रेड ट्रेड का मतलब है व्यापार ठीक है ट्रेड करना और एक्जुलरीज ऑफ टू ट्रेड का मतलब है कि ट्रेड करने में जो चीज़ें हेल्प करती हैं वो आपके एक्जुलरीज टू ट्रेड में आ जाएंगी ओके देखो ट्रेड देखो ट्रेड क्या है वो मैंने लिख रखा है ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ट्रेड का मतलब है एक ऐसा बिजनेस एक्टिविटीज जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का बाय और सेल होता है मतलब गुड्स और सर्विसेज बेचे जाते हैं खरीदे जाते हैं इसे हम कॉमर्स बोलते हैं राइट right? अब देखो Uh, मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस जो है वो दो टाइप के हैं पहला है कॉमर्स और दूसरा है इंडस्ट्री तो मैंने बताया कि कोई भी लोग है कोई भी पर्सन है तो वो बिजनेस दो तरीके से करेगा या तो वो कोई चीज़ का प्रोडक्शन करेगा या फिर वो बाइंग एंड सेलिंग का, का काम करेगा तो जो प्रोडक्शन करते हैं वो तो आपके इंडस्ट्री में चले जाते हैं लेकिन बाइंग एंड सेलिंग का मतलब है ट्रेड कॉमर्स ठीक है एक बार जैसे कि मान लो कुछ मुझे किसी भी चीज़ का मेरा बिज़नेस है तो मैं उसे परचेस करके ला रही हूँ और मैं उसे बेच रही हूँ तो ये ट्रेड हो गया ठीक है इसे बोलते हैं ट्रेड खरीदो और फिर उसको बेच दो ठीक है सेकेंड हैंड में थर्ड हैंड में बेच दो तो ये आपका ट्रेड हो जाता है ट्रेड भी दो टाइप के हैं पहला है इंटरनल ट्रेड और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड इंटरनल को हम आंतरिक ट्रेड भी बोलते हैं ठीक है इंटरनल ट्रेड आंतरिक व्यापार ठीक है ये क्या होता है कि जब किसी कंट्री के उसके बाउंड्री के अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज एंड सेल हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड ठीक है क्या बोलेंगे इंटरनल ट्रेड देखो इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री लाइक इंडिया में है तो इंडिया के स्टेट्स के अंदर हो रहा है या फिर कहीं भी हो रहा है ठीक है जैसे कि झारखंड टू बिहार हो गया या बिहार टू बिहार से उत्तर प्रदेश हो गया मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मतलब कंट्री के अंदर ही आपका ये जो परचेज एंड सेल का काम है वो चल रहा है ठीक है तो ये आपका होता है इंटरनल ट्रेड ओके अब है आपका एक्सटर्नल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है तो एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब है कि ट्रेड आपके कंट्री के जो बॉर्डर हैं उनसे बाहर हो रहा है ठीक है मतलब ट्रेड जो है वो दूसरे कंट्रीज के साथ में हो रहा है आपके कंट्री के अंदर नहीं हो रहा देखो क्या है इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू डिफरेंट कंट्रीज इसमें भी गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग होता है बट टू अदर कंट्रीज़ लाइक इंडिया से पाकिस्तान गुड्स गया या पाकिस्तान से इंडिया आया या फिर चाइना से इंडिया आया ठीक है कोई भी दूसरे कंट्री से जब गुड्स आता है और जाता है मतलब दूसरे कंट्री से खरीद रहे हो दूसरे कंट्री को बेच रहे हो तो ये आपका एक्सटर्नल ट्रेड हो गया ठीक है जो आपके कंट्री के बॉर्डर से बाहर जा रहा है वो आपका एक्सटर्नल ट्रेड हो गया अब इंटरनल ट्रेड को दो भागों में बांटा गया मतलब दो तरीक़ों से चीज़ें जो है वो आपके एरिया में या मतलब आपके कंट्री के अंदर ही आप बेच सकते हो खरीद सकते हो दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो पहला है होलसेल एंड दूसरा है रिटेल होलसेल का मतलब है कि जब बहुत बड़े अमाउंट में होलसेल का मतलब कि बहुत बड़े अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज को आप दे रहे हो मतलब गुड्स बेच रहे हो तो वो आपका होता है होलसेल लेकिन कम अमाउंट में कर रहे हो मतलब एक दो तीन चार पांच छः ऐसे कर रहे हो तो वो आपका हो गया रिटेल ठीक है देखो मैंने लिखा है वेन गुड्स आर बाउट एंड सोल्ड इन लार्ज quantities, लार्ज quantity मतलब बड़े नंबर में बड़ी मात्रा में आप गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हो खरीद रहे हो बड़ी मात्रा में ठीक है तो ये आपका होता है होलसेल और रिटेल का मतलब तो आप लोग जानते हो रिटेलर रिटेल मतलब आप एक खरीदोगे दो खरीदोगे तीन खरीदोगे मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खरीद रहे हो कम मात्रा में खरीद रहे हो तो आपका रिटेल हो गया ठीक है देखो होलसेल में जो है ना वो प्राइस थोड़ा हमें कम मिलता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं तो जो शॉपकीपर कीपर हैं या जो ट्रेडर हैं वो हमें कम मात्रा में मतलब थोड़ा सा जो उनका एक, बेचने का प्राइस है मार्केट प्राइस रिटेल में जो वो बेचते हैं उससे थोड़ा कम रुपये में हमें मिल जाएगा राइट तो होलसेल ये हो गया और ये रिटेल हो गया अब आते हैं एक्सटर्नल ट्रेड तो बता दिया मैंने कि एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है अब एक्सटर्नल ट्रेड भी तीन तरीके का है पहला है इम्पोर्ट इम्पोर्ट इंपोर्ट मतलब दूसरे कंट्री से आपके कंट्री में आ रहा है गुड्स ठीक है उसके बाद है एक्सपोर्ट आपके कंट्री से जा रहा है एक्सपोर्ट ठीक है जा रहा है उसके बाद है एंट्री एंट्री पोर्ट एंट्री पोर्ट का मतलब दूसरे कंट्री से मंगा के अपने कंट्री में यूज नहीं कर रहे हो कहीं और एक्सपोर्ट कर दे रहे हो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना आपका एंट्री पोर्ट कहलाता है ओके okay? अब देखो क्या है इंपोर्ट में परचेजिंग फ्रॉम अदर कंट्री दूसरे कंट्री से खरीद के ला रहे हो यह आपका इंपोर्ट हो गया एक्सपोर्ट क्या होता है सेलिंग टू अदर कंट्री दूसरे कंट्री को बेच रहे हो ठीक है ये आपका एक्सपोर्ट हो गया एंट्री पोर्ट क्या हो गया इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग मतलब गुड्स आप मंगा रहे हो लेकिन उसको यूज़ करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि उसे दूसरे कंट्री में भेजने के उद्देश्य से तो ये आपका हो गया एंट्री पोर्ट ओके ये था आपका ट्रेड ठीक है ये था आपका ट्रेड के बारे में अब मैंने बोला कि कॉमर्स दो टाइप के हैं पहला है ट्रेड तो ट्रेड तो समझ लीओ और दूसरा क्या है एक्जरीज टू ट्रेड मतलब ट्रेड करने में जो हेल्प करता है इसे हम बोलते हैं एक्जरीज टू ट्रेड राइट जैसे मैंने बोला कि इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इम्पोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ से आ कैसे रहा है कोई तो साधन होगा रेल के थ्रू सिप के थ्रू कुछ तो होगा तो यस ये जो तरीका है जहाँ से वो यहाँ आ रहा है इसे ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए मतलब गुड्स परचेज और सेल करने के लिए एक्सचेंज करने के लिए कोई माध्यम चाहिए और वो माध्यम जिस माध्यम से चेंज होता है मतलब गुड्स जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है दूसरे प्लेस से एक प्लेस पर आता है तो वो आपका होता है ट्रांसपोर्ट देखो मैंने लिखा है ना फिर ट्रेड करने के लिए हमें पैसे चाहिए ठीक है तो पैसे कहाँ से आएंगे कैपिटल कहाँ से आएगा कैपिटल चाहिए होता है बिजनेस में हमेशा करंट कैपिटल होना करंट कैपिटल होना चाहिए फिक्स्ड कैपिटल होना चाहिए फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो बैकग्राउंड में रहता है बिजनेस के ठीक है उसको सपोर्ट में जो स्टार्टिंग में लगाया जाता है मशीनरी वगैरह पे और करंट वर्किंग कैपिटल क्या हो गया वर्किंग कैपिटल होता है ठीक है करंट या वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल मतलब जो आए दिन खर्चे के लिए जो यूज़ करते हैं वो हो गया आपका वर्किंग कैपिटल राइट देखो मैंने यहाँ एक्जुलरीज टू ट्रेड में लिखा है तो ये कैपिटल कहाँ से, तो से, से आएगा तो बैंकिंग वगैरह से फाइनेंस से आएगा ठीक है देखो मैंने लिखा है द एक्टिविटी विच हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग मतलब वैसे एक्टिविटीज़ जो ट्रेडिंग करने में हेल्प करते हैं आर नोन एज एक्जेलरीज टू ट्रेड बस द एक्टिविटीज विच हेल्प्स इन ट्रेडिंग या एक्टिविटीज विच हेल्प्स टू ट्रेड आर नोन एज आर नोन एज एक्जुलरीज टू ट्रेड ओके अब एक्जरीज टू ट्रेड में आपके कौन कौन से आ जाएंगे तो देखो ट्रांसपोर्ट आ जाएगा सबसे पहले कि गुड्स आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेज रहे हो ठीक है तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट दूसरी बात हो जाएगी बैंकिंग की ट्रेड करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में पैसे कहाँ से आएंगे तो आप लोन ले सकते हो ठीक है तो ये आपका बैंकिंग आ जाएगा थर्ड आपका इंश्योरेंस इंश्योरेंस कैसे हेल्प करता है तो ये आपका मतलब सिक्योरिटी है एक तरह से कि आपके बिजनेस में लॉस हो गया तो या फिर किसी तरह का गुड्स वेस्ट हो गया फायर वगैरह से तो ये आपका हो गया इंश्योरेंस करने का ठीक है वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वेयर हाउसिंग का मतलब है कि आप चीज़ों को एक जगह स्टोर करके रखोगे ठीक है जैसे गोडाउन वगैरह होता है ना ये ठीक है चीज़ों को स्टोर करना वेयर हाउसिंग कहलाता है एडवर्टाइजिंग मतलब लोग जानेंगे कैसे कि आप इस चीज़ का ट्रेड कर रहे हो आप ये बेचते हो या जो भी बेचते हो तो लोग जानेंगे कैसे तो वो एडवर्टीजमेंट से जानेंगे अंडरस्टैंड तो ये था आपका कॉमर्स ट्रेड एंड एक्जरीज टू ट्रेड आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया नोट क्लियर करते चलना ठीक है नेक्स्ट है आपका बिजनेस रिस्क ठीक है अभी मैंने बोला कि लॉस हो सकता है फायर वगैरह से जल सकता है तो वो रिस्क ही तो है आप बिजनेस कर रहे हो इसका मतलब आप रिस्क ले रहे हो रिस्क ले रहे हो क्या आपने अपना कैपिटल उसमें लगाया है ठीक है आप उसमें अपना टाइम दे रहे हो आप गुड्स परचेस कर रहे हो सेल कर रहे हो तो इसमें रिस्क है ना कि क्या पता वो बिके या ना बिके क्या पता वो बिजनेस चले या ना चले तो रिस्क है ना ये हम समझते हैं अब देखो क्या है बिजनेस रिस्क क्या होता है इट मीन्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिकुएट प्रॉफिट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस मतलब ये डिपेंड करता है मतलब बिजनेस रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिकुएट प्रॉफिट मतलब किसी को पता है कि प्रॉफिट होगा ही होगा एकदम हंड्रेड परसेंट होगा नहीं किसी को नहीं पता है जितने भी काम हम लोग करते हैं वो सब के सब काम जो है वो फ्यूचर पर डिपेंड होता है हम लोग नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होगा फ्यूचर हमारा बिल्कुल अनसर्टेन है राइट तो ये अनसर्टेनिटी को दूर कर, मतलब ये अनसर्टेनिटी कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा लॉस कितना होगा ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट ये सारे जो हैं बिजनेस रिस्क कहलाते हैं देखो इट मीन्स टू द पॉसिबिलिटी इन ऑफ इन एडिकुएट प्रॉफिट्स और इवेंट लॉसेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स मतलब प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट और लॉस ठीक है मतलब प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा लॉस होगा तो कितना लॉस होगा किस किसी अनइवेंट मतलब अनसर्टेन इवेंट की वजह से मतलब एक ऐसा इवेंट जो आ, आप नहीं जानते ठीक है कि वो होने वाला है लेकिन हो गया अनसर्टेन इवेंट की वजह से ऐसा कुछ प्रॉफिट ऐसा कुछ लॉस वगैरह हो गया तो वो आपका बिजनेस रिस्क है ठीक है जैसे मुझे पता नहीं है कि मान लो कि मेरा मैं ट्रेडिंग करती हूँ तो मेरा जो गुड्स है वो यहाँ से कहीं जा रहा है अब रास्ते में जाते हुए वो पता नहीं वो जो गाड़ी जिसमें से वो जा रहा था जिस भी व्हीकल में वो व्हीकल ही पूरा जल गया तो ये मुझे पता था क्या कि ये मेरा जो गुड्स जा रहा है वो रास्ते में जल के ख़त्म हो जाएगा नहीं ना तो ये एक तरह से रिस्क हुआ भेजना तो इस तरह का छोटा छोटा बहुत सारे रिस्क होते हैं बिजनेसेस में तो इन सभी को अब हम समझते हैं रिस्क जो है वो दो तरह का होता है पहला है स्पेकुलेटिव रिस्क एंड सेकेंड वन इज प्योर रिस्क स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है प्योर रिस्क क्या होता है देखो स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब है कि फिफ्टी फिफ्टी चांस है कि आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और आपका लॉस भी हो सकता है लेकिन प्योर रिस्क का चांस है कि आपको सिर्फ लॉस ही होगा लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा इसमें आपका प्रॉफिट का चांस नहीं है स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब कि ये आपका 50 50 चांस है कि 50 परसेंट है कि हाँ आपका प्रॉफिट होगा या 50 परसेंट चांस है कि लॉस भी हो सकता है ठीक है मतलब बराबर चलता है लेकिन प्योर रिस्क में ऐसा नहीं होता प्योर रिस्क में आपको बस इतना बताया जाएगा कि आपका लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा प्रॉफिट का कोई यहाँ पे चांस नहीं है ठीक है मतलब प्रॉफिट यहाँ पे आएगा ही नहीं मतलब प्रॉफिट का नाम नहीं है यहाँ पे राइट right? अब देखो ये क्या है इट इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एज वेल एज गेन इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं लॉस के एंड गेन के दोनों ठीक है गेन भी हो सकता है आपको लॉस भी हो सकता है एंड अराइज ड्यू टू चेंज इन कंडीशन और ये क्यों होता है कंडीशन में बदलाव होने की वजह से मतलब कंडीशन में बदलाव किस टाइप का बदलाव जैसे एक ट्रेंड था फैशन कटाव जींस आने का ठीक है लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है लोग उतना उसको पसंद नहीं करते तो कंडीशन में बदलाव आ रहा है ना फैशन में बदलाव आ रहा है ना तो हो सकता है कि कटाव वा जींस वाले का बिजनेस अब चले भी या ना भी चले फिफ्टी फिफ्टी चांस है तो वो उसका इनएडिकुएट ये आपका स्पेकुलेटिव रिस्क हो जाएगा ठीक है देखो मैंने लिखा है चेंज इन फैशन और टेक्नोलॉजी भी आप लिख सकते हो प्योर रिस्क क्या होता है इट इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस इसमें या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा ठीक है लॉस होगा या नहीं होगा लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं होने जा रहा आपको इसमें प्रॉफिट का रिस्क ये नहीं बताता है ठीक है जैसे आप आपका गोडाउन है वेयर हाउसिंग वहां पर आग लग गया तो आग लग गया तो वहां से गुड्स जो है वो जलेंगे या नहीं जलेंगे आपको लॉस होगा या नहीं होगा ऐसा थोड़ा कि आग लगने से आपका और भी ज्यादा गुड्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा प्रॉफिट होने लगेगा आपको ऐसा तो नहीं है मतलब ये आपका लॉस है ठीक है लॉस होगा या नहीं होगा वो वाला लॉस ठीक अब है आपका कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क बिजनेस रिस्क के क्या क्या कॉजेज हैं तो देखो ह्यूमन काजेज हैं आपके ह्यूमन काजेज मतलब लोगों का जैसे कि आपके जो वर्कर्स हैं जिसको आपने काम पे रखा है वो हो सकता है कि डिसऑनेस्टी करें आपके साथ ठीक है वो आपके साथ ईमानदारी ना ईमानदार ना रहें केयरलेस हो जाए आपके का अपने काम के प्रति ठीक है ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर ताकि उनका क्योंकि उनका पावर में आप मतलब क्योंकि उनका पावर कम है या फिर आप उनको कहीं मतलब उनको अपना काम से खुशी नहीं है तो वो अपने काम को ध्यान नहीं दे रहे ईमानदारी से काम नहीं कर रहे केयरलेस हो गए नेग्लेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को तो ये जो है एटसेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन कॉजेज दैट रिजल्ट इन बिजनेस जिसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है ठीक है अब मान लो कि आपके जो इम्प्लॉयज़ हैं जिनको आपने रखा हुआ है गुड्स को कहीं और भेजने के लिए वो अपना जो गाड़ी है उसमें लेकर गुड्स को गए और वहां जाके उन्होंने लड़ाई कर लिया जिनसे वो जो डीलर था जो आपसे खरीदने वाला था उनसे उन्होंने लड़ाई कर लिया बहस हो गया ठीक है कहाँ सुनी हो गया तो अब रिस्क है ना कि आपका गुड्स वो लेगा कि नहीं लेगा होगा ना ऐसा तो यस yes, बिहेवियर भी डिपेंड करता है ह्यूमन काजेज भी डिपेंड करता है नाउ इट्स इकोनॉमिक कॉजेज इकोनॉमिक काजेज का मतलब इकोनॉमिक का मतलब क्या है फाइनेंशियल ठीक है कि आपका रेट बढ़ गया बैंक का रेट बढ़ गया टैक्स रेट बढ़ गया तो ये आपका कुछ रिस्क है देखो दिस इंक्लूड्स अनसर्टिनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स ये डिपेंड करता है गुड्स के डिमांड पे कंपटीशन प्राइस कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड समटाइम्स रेट्स और टैक्सेस पर भी डिपेंड करता है देखो इसमें क्या है कि आपका जो गुड्स है जिस भी चीज़ का आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसका डिमांड क्या है अगर डिमांड हाई है तो बहुत अच्छी बात है और अगर डिमांड लो है तो फिर ये रिस्क वाली बात है ठीक है तो फिफ्टी फिफ्टी चांस इसमें भी चलता है कि आपका डिमांड अगर बढ़ रहा है तो चलेगा गुड्स बिकेगा और अगर घट रहा है तो गुड्स नहीं भी बिकेगा ठीक है तो ये है आपका इकोनॉमिक कॉजेज और इसमें मैंने बोला ना कि टैक्स रेट्स वगैरह भी आपके इसमें आ जाएंगे नाउ इट्स नेचुरल कॉजेस नेचुरल कॉजेज मतलब प्राकृतिक डिजास्टर आना किसी चीज का फ्लोड आ गया आपका गुड्स सारा बह गया भीग गया गीला हो गया खत्म हो गया भूस्खलन हो गया भूकंप आ गया तो आपका जो वेयर हाउसिंग का जो प्लेस था गोडाउन था वो धस गया ठीक है इस तरीके का चीज़ जो है मतलब नेचर के वजह से नेचुरल थिंग्स के वजह से जो आपको लॉस होता है दिस इज कॉल्ड नेचुरल रिस्क ओके हेयर नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लोड अर्थक्वेक हैवी रेन्स एटसेट्रा रिजल्ट इन हैवी लॉस और ये सब इन सबसे जो है वो बहुत ज्यादा लॉस होता है फिफ्थ एंड लास्ट वन फिफ्थ नो थर्ड फोर्थ है ये ये तो आपका थर्ड था अदर काजेज अदर काजेज मतलब कुछ एक्स्ट्रा काजेज हो सकते हैं इसके अलावा जैसे कि आपका कुछ इलेक्शन वगैरह होने वाला है तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस मैकेनिकल हो सकता है कि हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट एक दिन के लिए बंद हो या फिर हो सकता है मैकेनिकल कुछ भी आपका अन ईवेन लॉस मतलब अन ईवेंट रिस्क हो सकता है ठीक है तो यह था आपका सम काजेज ऑफ रिस्क एंड आप इसे याद कर सकते हो ही नो ठीक है ही फॉर ह्यूमन काजेज ई फॉर इन इकोनॉमिक कॉजेज एंड फॉर नेचुरल कॉजेज एंड ओ फॉर अदर काजेज ओके नाउ द थिंग इज द नेचुरल द नेचर होगा यहाँ पे द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है ठीक है ये किस प्रकृति का है तो देखो मैंने लिखा है रिस्क इज इसशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस रिस्क जो है वो किसी भी बिजनेस का बहुत ही जरूरी पार्ट है ठीक है हमें पता है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस जो सबसे पहला है कि रिस्क जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए अगर कोई बिजनेस रिस्क नहीं लेना चाहता फिर तो वो बिजनेस कर ही नहीं सकता क्योंकि रिस्क है तो ही बिजनेस है ठीक है मैं रिस्क है तो इसका नहीं बोलूँगी रिस्क है तो ही बिजनेस चल सकता है अदरवाइज नहीं चल सकता ठीक है क्योंकि आप चाहे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो फ्यूचर तो अनसर्टेन है रिस्क तो होगा ही आप बिल्कुल श्योर तो नहीं हो सकते कि हाँ ये चलेगा ही चलेगा या बिल्कुल नहीं ही चलेगा हो सकता है कि चले भी या हो सकता है ना भी चले तो ये रिस्क हुआ ना तो फ्यूचर अनसर्टेन होने की वजह से रिस्क आपके साथ साथ चलेगा अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ़ बिजनेस जो डिग्री ऑफ़ रिस्क का मतलब है कि रिस्क कितना होगा कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन डिपेंड इट इज़ टोटली डिपेंडेबल ऑन द साइज ऑफ बिजनेस अगर आपका बिजनेस का साइज़ बहुत बड़ा है तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क होने वाला है और मतलब रिस्क होने की सम्... बहुत ज़्यादा रिस्क है और अगर छोटा है तो कम रिस्क होगा ठीक है जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट ये चीज को ध्यान देना ज्यादा रिस्क मतलब ज्यादा कैपिटल लगा रहे हो स्टार्टिंग में ही ज्यादा कैपिटल लगा दिए ज्यादा रिस्क ले लिया आप ठीक है कम कैपिटल लगा के स्टार्ट कर रहे हो कम रिस्क ले रहे हो प्रॉफिट भी कम होगा ठीक है अब है आपका बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज बिजनेस रिस्क जन्म लेता है अनसर्टेनिटी की वजह से ये तो मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि अनसर्टेन ए फ्यूचर तो रिस्क तो अराइज होगा ही ठीक है फ्यूचर पता होता तो रिस्क लेता कोई मुझे पता होता कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करोगे पसंद नहीं करोगे तो मैं डालती क्या कभी नहीं डालती लेकिन अब पता चल गया है धीरे धीरे आप समझ रहे हो धीरे धीरे आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो मैं अब डालूंगी ठीक है देखो क्या है प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग मतलब रिस्क लेने का रिवार्ड क्या है प्रॉफिट भी मैंने बोला ना मोर द प्रॉफिट मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट इस रूल पे चलता है रिस्क है तो है याद रखना ठीक है तो ये था हमारा आज का क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब इस चैप्टर का हमारा एक दो क्लास और आएगा एक या दो ठीक है कोशिश करूंगी मैं कि नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूं अगर हो जाता है तो ठीक है और नहीं होता है तो एक और क्लास आ जाएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्क्रीन लेना है अगर तो आप ले सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय हैव हैव अ गुड डे स्टे स्टे हैप्पी हेल्दी एंड प्लीज डू लाइक लाइक द द वीडियो वीडियो इफ यू अ गुड डे